नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज पांडे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के टूरिज्म डिपार्टमेंट से आज आपके साथ चर्चा का विषय लेकर आया हुआ हूँ। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न टूरिज्म ट्रेड, मतलब जो पर्यटन का व्यवसायीकरण जो हुआ उसके इतिहास पर एक छोटी सी चर्चा हम लोग रख रहे हैं कि पर्यटन शब्द एक डिक्शनरी से निकल कर आया और उसको किस प्रकार से लोगों ने एंटरप्रेन्योर यानी कि व्यवसाय की तरफ को जोड़ा। यह एक महत्वपूर्ण विषय आज हमारा होगा क्योंकि आज के दौर में जहां एक तरफ नवयुवक रोजगार की तलाश में काफ़ी मेहनत कर रहा है, सरकारी नौकरी की बहुत कोशिशें कर रहा है पाने की, उसकी जगह अगर देखें तो आज के जो कुछ समझदार नवयुवक हैं वे लोग एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर बन करके अपना बहुत बड़ा अच्छा कारोबार अपने ही क्षेत्र में डेवलप कर रहे हैं। और पर्यटन, चूंकि हम उत्तराखंड में रहने वाले हैं, भारत देश के उत्तराखंड राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार भी आज कई अंशदान, कई प्रकार के जो सब्सिडाइज्ड लोन्स या फिर सब्सिडाइज्ड प्रोग्राम्स लेकर आई हुई है। तो टूरिज्म के ट्रेड को समझना आज के जरूरी बनेगा कि हम किस प्रकार से इसको अपने आप में जोड़ें और जिससे कि हमारी आमदनी बढ़े और हम अपने आय के नए स्रोत भी बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं टूरिज्म ट्रेड की। तो पहले अगर कोई व्यक्ति घर से निकला, उसका घर से निकलने के पीछे कारण कुछ रहे होंगे। वे हो सकते हैं कि लोग छुटपुट व्यवसाय के लिए निकले, यानी कि जैसे हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने रूल किया, वे भी ट्रेड के बहाने हमारे देश में आए थे। तो छुटपुट व्यवसाय को अगर हम एक तरफ रखें, मास टूरिज्म यानी कि जब बल्क में लोगों का आना जाना शुरू हुआ एक स्थान से दूसरी जगह पर, तो हम उस पॉइंट को अपना एग्जिस्टिंग पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट लेकर के चल रहे हैं आज के लेसन में। उससे पहले अगर आप वास्को डी गामा या अन्य जो दार्शनिक रहे हैं, जो यात्री रहे, उनकी चर्चा पर जाएंगे तो हमने उस पर पूर्व में चर्चा की है। आज मास टूरिज्म यानी कि जहां से हमने टूरिज्म का फायदा लेना शुरू करा, मास टूरिज्म की चर्चा आज के विषय में है। तो शुरू करते हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात हमने पढ़ी थी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो था, जिसका दूसरा नाम बर्थ ऑफ मास टूरिज्म भी कहा जाता है, लगभग 1750 से 1850 के बीच में ये चीजें हुई थी, यानी कि औद्योगिक क्रांति की बात चल रही है। औद्योगिक क्रांति यानी कि उद्योग का बाजारीकरण, जब लोगों को समझ में आया कि चीजें हमारे पास जो हैं वे अगर किसी दूसरे आवश्यक, जिस व्यक्ति को जरूरत है वो अगर लेता है उसको दे और उसके बदले में वो हमको कुछ हमारे काम की चीज दे, तो यह व्यवसाय था। उससे पहले बार्टर सिस्टम हमने पढ़ा था। तो इसका व्यवसायीकरण जब से हुआ है, तो लगभग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब से शुरू हुआ है उसने काफी इसको बुलंदियों पर पहुंचाया था। दूसरा जो बड़ा कारण रहा मास टूरिज्म का, वो क्या था? टेक्नोलॉजी इनोवेशन। अब पहले लोगों के पास अगर हम बात करें, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी थी, वे किस हद तक कारगर साबित हुई, यह कहना बहुत निश्चित या सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे हम कि बहुत कारगर थे, नहीं, वे एक लिमिटेड दायरे के लिए ठीक था कि कुछ माइल्स ट्रेवल करना है तो बुलक कार्ट वॉज ओके फॉर दैट टाइम। बट मॉडर्न टाइम की अगर बात करें, जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है, तो उसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन का बड़ा योगदान रहा है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो क्रांति आई है, हमने देखा कि तुरंत राइज जो बड़ा है वो आया था रेलवे में या फिर शिप्स में। तो आफ्टर इन्वेंशन ऑफ व्हील हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से लोगों ने अपने डेस्टिनेशन बदलना शुरू करा। तो दुनिया की खोज जो भी, वो पुराने चैप्टर में हमने पढ़ा है, उसी का अगला अध्याय हम पढ़ रहे हैं आज, मास टूरिज्म। तो शिप मेड ट्रेवल इजियर एंड फास्टर। शिप्स में जो पानी के जहाज थे, पहले बोट हुआ करती थी, फिर शिप्स आए यानी कि प्रोपेलर्स वाले टेक्नोलॉजी आना शुरू हुई। उसके बाद रेलवे का इन्वेंशन हुआ, ट्रेन जब चलना शुरू हुई तो कई डिस्टेंस में अधिक लोग एक साथ ट्रेवल कर पा रहे थे, तो टूरिज्म को बढ़ावा मिला। देन प्रिंटिंग ऑफ करेंसी मेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज इजियर। जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, इसका अर्थ यह है पैसा इतना सारा लेकर के आदमी जा रहा है और कहीं दूसरी जगह पर ट्रेवल कर रहा है, तो कई प्रकार के सेफ्टी के कारण पैदा हो जाते हैं कि ये सेफ नहीं है। लेकिन जब प्रिंटिंग ऑफ करेंसी शुरू हुई तो इट वॉज ईजी टू टेक विद देम, सो प्रिंटिंग ऑल्सो हेल्प द पीपल टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू नेक्स्ट प्लेस। देन इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल कम टू अंडरस्टैंड दैट द पीपल हु स्टार्टेड बिजनेस एज देयर ओन
टूरिज्म एज देयर ओन बिजनेस। तो वे लोग जिन्होंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, तो पहला व्यक्ति जिसने शुरू किया था उसका नाम कॉक्स एंड किंग्स वॉज द फर्स्ट ट्रेवल एजेंसी जो जिन्होंने शुरू किया था और 1758 लगभग में, ऐसा इतिहास में बताया गया है, 1958 लगभग में कॉक्स एंड किंग्स तो फर्स्ट ट्रेवल एजेंसी बनकर आई थी। और मॉडर्न ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का जो फादर नाम से जाना जाता है दैट इज नोन एज थॉमस कुक द फर्स्ट ट्रेवल एजेंसी एंड ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टूरिज्म, लगभग 1841 की बात इनकी कही जाती है। उन्होंने सबसे पहला टूर यूरोप के लंदन में दो बड़े शहरों के बीच में ट्रेन के द्वारा कराई थी, लोगों को मास मतलब कई सारे लोगों को एक टूर पैकेज दिया था कि आप यहां से वहां तक ट्रेवल करेंगे फिर आएंगे, रिटर्न टिकट उन्होंने कराया था। और उसके बाद डीन एंड डॉटसन जो थे कि ट्रेवल एजेंसी खोली थी उनने ये यूके में, इन लोगों ने 1950 में ग्रुप को ट्रेवल कराना शुरू करा था, ग्रुप के द्वारा लोगों को इंडिविजुअली नहीं बल्कि ग्रुप ट्रेवल्स वगैरह कराना शुरू कर दिया था। तो इसके अलावा समय आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा 1905 में निपोल ट्रेवल एजेंसी बिकेम फर्स्ट ट्रेवल एजेंसी ऑफ जापान, आज भी है। समय समय पर लोगों ने इनको, जैसे आज हम देखते हैं कि फेसबुक ने इंस्टा को खरीद दिया या गूगल ने यूट्यूब को खरीद दिया, ये चीजें तब भी चलती थी कि निपोल ट्रेवल एजेंसी जापान की नंबर वन ट्रेवल एजेंसी रहा करती थी। 1903 में के पी चैन बिकेम द फर्स्ट ट्रेवल एजेंसी ऑफ चाइना, बहुत ही सेलेक्टेड डेटा आपके सामने रखा हुआ है। इन 1951 द ऑस्ट्रेलियन ट्रेवल एजेंसी हेलो वर्ल्ड बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट ट्रेवल एजेंसी इन कंट्री, यानी कि कंट्री का मतलब ऑस्ट्रेलिया में पहली ट्रेवल एजेंसी जो आई वो थी कौन सी, हेलो वर्ल्ड करके ये एजेंसी आई थी। उसके बाद हम समझते हैं आगे को टूरिज्म ट्रेड। अब बात करते हैं, थोड़ा सा रिव्यू लेकर चलते हैं, ग्रोथ धीरे धीरे आगे बढ़ी। आज के समय में अगर हम देखें तो हर देश के अपने अपने ट्रेवल एजेंसीज हैं, वे अपने लोगों को टूर पैकेज बना करके एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं। अब बात करते हैं ट्रेवल एजेंसी किस प्रकार से ग्रो करती है, यानी कि ट्रेवल एजेंसी किस प्रकार से लोगों को अट्रैक्ट करने में सफल हुई है। देखिए समझते हैं बात को, कोई ट्रेवल एजेंसी यदि सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेकर चले, यानी कि किसी स्थान में जाने के लिए वो ट्रेवल यानी ट्रांसपोर्ट की सुविधाओं को यदि देगी, तो यह पॉसिबिलिटीज होंगी कि वो कितना सक्षम होगी अथवा कितना नहीं होगी, क्योंकि लोगों की आए दिन की उनकी डिजायर, उनकी वांटिंग, उनकी इच्छाएं काफ़ी अधिक बढ़ रही हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो सर्वाइव कैसे करेंगी। तो इस स्थिति में अगर इंडिया की बात करें तो ITDC जो फॉर्मेशन हुआ था 1966 में, उसका कारण यही था। अब बात करते हैं टूरिज्म ट्रेड इन कंट्री, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, हमारे देश में ट्रेड टूरिज्म ट्रेड किस प्रकार से शुरू हुआ है वो थोड़ा सा डिस्कशन, फिर आगे बढ़ेंगे हम। टूरिज्म का जो ट्रेड उद्योग था, ITDC के फॉर्मेशन के साथ हमारे वहां एक नई आई ओपनिंग रही थी। अब मैं अगर आप इमेजिन कीजिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, कोई भी व्यक्ति एक प्रोडक्ट को लेके, सिंगल प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में सर्वाइव रहने का प्रयास करेगा तो आखिर कब तक। सवाल यह है कि सिंगल प्रोडक्ट में या तो इतनी यूनिक फीचर्स हों कि वह लोग उसको सामने से आकर के उसकी डिमांड करें टूरिज्म। अब ट्रेवल टूर पैकेज बनाने वाला ट्रेवल एजेंसी क्या दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे रही है इन प्रायर बेस्ड, कॉक्स एंड किंग्स हो, थॉमस कुक हो, या निपोन्स हो, या दूसरी जितनी भी हमारे केपी चैन है, या फिर ऑस्ट्रेलियन के हेलो वर्ल्ड है, इनका समय के साथ बदलाव ने इनको सर्वाइव रखा। उन्होंने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं बल्कि उन्होंने अकोमोडेशन फैसिलिटीज को भी एक्वायर करना शुरू करा अलग अलग जगहों से, यानी कि ग्लोब में टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अकोमोडेशन फैसिलिटीज, होटल्स, रिजॉर्ट्स, कॉटेजेस को भी इन लोगों ने अपना रेंटल यूज में लेना शुरू करा, जिससे कि कोई पैकेज बना रहे हैं तो दे विल नॉट डिस्टर्ब टू द ऑर्गेनाइजर और द ओनर ऑफ द होटल और प्रॉपर्टी, दे देमसेल्फ विल डिसाइड द प्राइसेस, अपने कंट्री में प्राइस सेट कर देंगे। अब इसको समझते हैं, देखिएगा मैंने जो कहा है इसको समझने के लिए मैं एक पहले ये खत्म कर लेता, उसके बाद उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा होटल रिजर्वेशन सिस्टम जब हमारी टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ना शुरू हुई थी
उसने क्या फायदा दिया हमको कि हम ऑनलाइन बुकिंग वगैरह प्लेटफॉर्म को तलाशने लगे। सबसे पहले 1991 में hotels.com रिजर्वेशन सिस्टम शुरू हुआ है। 1991 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पहला पड़ाव यहां से शुरू होता है, इंटरनेट की शुरुआत होती है जहां से लोग ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं। उसके बाद द फर्स्ट ऑनलाइन डायरेक्टरी ऑफ होटल्स travelweb.com सबसे पहले फर्स्ट ऑनलाइन डायरेक्टरी वॉज 1994 में शुरू हो चुकी है। द फर्स्ट एयरलाइन टिकट वॉज सोल्ड इन 1995 किसमें, वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा, www.com के द्वारा पहली बार 1995 में पहला टिकट एयरलाइन का बेचा गया था ट्रेवल एजेंसी के द्वारा। देन expedia.com वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1996 एज द फर्स्ट लार्ज ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी। दैट मींस expedia.com इज व्हाट, expedia.com इज अ प्लेटफॉर्म, इज अ टूल व्हिच प्रोवाइड्स ऑल द डिटेल्स अबाउट होटल्स एंड ट्रेवल टूल्स एट वन प्लेस, है ना। जैसे येलो पेजेस है, आइडेंटिटी और एड्रेस वगैरह देता है। expedia.com होटल्स, अकोमोडेशन, फूडिंग प्लस फ्लाइट्स, इन चीज की जानकारी एक जगह पर देता है। तो इट स्टार्टेड इन 1986। तो ये भी अच्छा प्लेटफॉर्म था कि लोग घर बैठे बैठे इनके बारे में जानकारी ले सकते थे। देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रेवल एजेंसीज। अब ट्रेवल एजेंसीज कितने प्रकार की हो सकती है इस पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। फुल सर्विस एजेंसीज, ये चार प्रकार की है बेसिकली। फुल सर्विस एजेंसीज ऑल्सो कैन बी सेड वन स्टॉप सॉल्यूशन, फ्लाइट टिकट अकोमोडेशन फूड लोकल विजिट्स एक्सेट्रा एक जगह पर जहां मिल जाएंगे, दीज आर नोन एज फुल सर्विस एजेंसीज, यानी ऑल वन पैकेज जहां पर मिल जाता है फुल सर्विस एजेंसी। देन इम्प्लांट एजेंसी, इम्प्लांट फॉर कॉरपोरेट ग्रुप्स, इम्प्लांट को समझते हैं, इसको समझना है ऐसे, कोई कंपनी है, एजेंसी है, उसके पास 300-400 इम्प्लॉयज काम करते हैं और उसका काम क्या है कि उसके लोग आए दिन ट्रेवल करना पड़ता है, उनका प्रोडक्ट ऐसा है कि दे नीड टू गो आउटसाइड फॉर मेकिंग यू नो सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेज और वैकेंसी फॉर मार्केटिंग पर्पज। तब क्या करते हैं कि जो ट्रेवल एजेंसी होती है वह इस कॉरपोरेट ग्रुप के पास अपना एक एम्प्लॉय जिसको सैलरी खुद देंगे उसको उसके ऑफिस में बैठा देंगे। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट कि जब भी उस कंपनी के एम्प्लॉयज को ट्रेवल करने निकलना होगा, सारी जो उसकी यात्रा का डिटेल वहीं पर बना करके वो उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। दिक्कत क्या आती है अदरवाइज, इस कंपनी को आए दिन उस ट्रेवल एजेंसी के थ्रू फोन में या टेलीफोन या ईमेल के द्वारा बात करनी होती, दैट कुड टेक मोर टाइम, दैट कुड जनरेट मिसकम्युनिकेशन और सम यू नो कहीं ना कहीं एरर आ सकता था कम्युनिकेशन बेस्ड। सो इम्प्लांट एजेंसीज ऐसी एजेंसीज होती हैं, ऐसी ट्रेवल एजेंसीज होती हैं जो बड़ी कॉरपोरेट ग्रुप्स के साथ टाई अप करके पूरे राउंड द ईयर उनको ट्रेवल एजेंसीज प्रोवाइड करती ऑन देयर होम, मतलब एट देयर होम्स, उनके घर पर, उनके जहां पर एजेंसी चल रही है, जहां उनका कंपनी है वहीं के वहीं इनको सारी फैसिलिटीज ये देती। दीज आर कॉल्ड इम्प्लांट एजेंसी। इसमें दोनों को फायदा है, एजेंसी को ये फायदा है कि उसको बिजनेस मिल रहा है, कॉरपोरेट बिजनेस को ये फायदा है कि उनके जो एम्प्लॉयज उनको भागना नहीं पड़ रहा, उनको तुरंत एक इशारे पर काम मिल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज आसान हो जाती हैं। देन नेक्स्ट होलसेल एंड रिटेल एजेंसीज क्या है इसको समझते हैं। होलसेल एंड रिटेल, जो मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले छोड़ी थी उसको यहां पर कंप्लीट करेंगे। कोई ट्रेवल एजेंसी जब ट्रेड कर रही है किस चीज का, टूर पैकेज का, फ्लाइट टिकट्स का, तो साथ ही साथ उसने जिस वेन्यू पर गेस्ट को भेजना है उस जगह पर गेस्ट के लिए अकोमोडेशन की व्यवस्था भी खुद अगर करा कर दे दे वो भी रिजनेबल प्राइस में, तो गेस्ट तो बिल्कुल लेगा। अगर किसी जगह पर जाने का, दिल्ली में बैठा हुआ आदमी गोवा जाना चाहता है, दिल्ली की ट्रेवल एजेंसी उसको गोवा के किसी होटल का रेट यदि 10,000 रुपये चल रहा है और यदि उसको 8,000 या 9,000 रुपये में दे देता है तो कस्टमर उसको हंसते हंसते लेना पसंद करेगा। वजह क्या है कि ये जो होलसेल एजेंसीज होती हैं अलग अलग लोकेशंस पर राउंड द ईयर के लिए होटल्स के कुछ रूम्स को ब्लॉक कर लेती हैं, मींस अलग अलग महीनों में
अलग अलग टाइम पीरियड में सीजनल और नॉन सीजन के हिसाब से अलग अलग लोकेशन पर रूम ब्लॉक कर लिए। फॉर एग्जाम्पल गोवा के किसी होटल पर मैंने एक ट्रेवल एजेंसी खुद की है और मैंने वहां पर एक होटल के 50 रूम ब्लॉक कर दिए हैं जनवरी के महीने में, नेक्स्ट मंथ जनवरी में मैंने बुक कर। होलसेल एंड रिटेल एजेंसी को समझने के लिए एक उदाहरण लेके चलते हैं। इसमें एक जो ट्रेवल एजेंसी होती है वो अलग अलग लोकेशंस पर अपने जो जिन होटल्स के साथ इनके टाइप्स हैं उनके साथ एक डील कर लेती है कि मैं आपको साल भर में 100 रूम्स का 200 रूम्स का बिजनेस दूंगा। तो चूंकि होटल को एक साथ बिजनेस मिल रहा है तो जिस रूम का रेट रैक रेट यदि 10,000 रुपये हम इमेजिन करते हैं तो वे उस ट्रेवल एजेंट को 7,000, 6,000, 8,000 जो भी रिजनेबल होगा उस रेट में देते हैं, इसलिए तो होलसेल में ले रहा है वो। नेक्स्ट क्या होता है, जब इसने रूम ब्लॉक कर दिए ट्रेवल एजेंट ने, तो जब इसका समय आएगा जब ये अपने 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 लोगों को जब रूम सेल करेगा, हो सकता है कि ये 10,000 में बेचे, 9,000 में बेचे या फिर 11,000 में भेजे, यह अपनी आवश्यकता बिजनेस के टाइम को देख करके बेच सकता है। और रिटेल एजेंसी और होलसेल एजेंसी यह मतलब है, इसका मतलब यह है, एक बार और बता रहा हूँ, ट्रेवल एजेंट के द्वारा होलसेल में रूम्स को बुक कर लेने के बाद अलग अलग लोकेशंस के उनको अपने ग्राहकों को अलग अलग रेटों पर यानी कि पैकेज बना करके, हो सकता है कि फ्लाइट के बढ़ा के दे, रूम के कम कर दे, रूम के बढ़ा के दे, फ्लाइट के कम करके दे। दैट इज बिजनेस ऑल अबाउट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना है और खुद को भी नुकसान नहीं होना है, होटल को भी नुकसान नहीं होना है, तो इसके लिए बेहतरीन रास्ता यह है कि आप समय से पहले रूम्स को ब्लॉक कर लें। दिस इज कॉल्ड होलसेल एंड रिटेल एजेंसी। ग्रुप एंड इंसेंटिव एजेंसीज जो ये सामने आपके दिख रहा है वे ये ट्रेवल एजेंसीज होती हैं जहाँ पर कई कॉरपोरेट ग्रुप्स जो होते हैं वे अपने एम्प्लॉयज को खास तौर पर एक जगह से दूसरी जगह इसलिए भेजते हैं, उनकी मीटिंग्स हो सकती हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो सकते हैं, एग्जीबिशंस हो सकते हैं, शॉर्टकट में इसको माइस बोलते हैं, MICE, तो ट्रेवल करना होता है। तो इसमें ट्रेवल एजेंसी इनके साथ टाई अप करती हैं और समय समय पर इनके लिए टूर पैकेज प्लान करके देते हैं। इसमें क्या फायदा है दोनों पार्टीज को, ट्रेवल एजेंसी को ज़्यादातर ऑफ टाइम पर बिजनेस मिल जाता है, होटल्स को सहूलियत मिल जाती है क्योंकि जिस जगह पर ये जाते हैं ये ग्रुप्स जाते हैं। कौन जाते हैं? ग्रुप्स जाते हैं। ग्रुप्स किसको मानते हैं? अलग अलग टर्म है, ऐसे समझते हैं कि ग्रुप्स एयरलाइन की अगर बात करें तो उसमें सोचते हैं कि 9 लोगों से अधिक लोगों का अगर बंच है तो ग्रुप कहलाएगा, अगर होटल्स में जा रहे हैं 15 लोगों से ऊपर है तो ग्रुप कहलाता है। तो उनके लिए होटल्स वाले को फूड प्रिपेयर करने के लिए ज्यादातर बुफे लगा देना इजी पड़ता है, तो उनको बल्क कुकिंग होती है, बल्क में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो होटल्स ऑल्सो अर्न गुड मनी फ्रॉम ग्रुप्स। तो ग्रुप एंड इंसेंटिव एजेंसी स्पेशली इन्हीं के लिए काम करती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ। हमने ट्रेड्स को पढ़ा यानी कि टूरिज्म ट्रेड्स को पढ़ा। टूरिज्म ट्रेड क्या होते हैं? टूरिज्म ट्रेड जहां पर से लोगों का घर से निकल करके बिजनेस के पर्पस से लोगों को घर से बाहर निकाल करके उनको उनको अच्छी सुविधाएं देना, एक दो आदमी नहीं बल्कि बल्क में लोगों को बिजनेस देना और उससे अपना लोगों को न सिर्फ फ्लाइट यानी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं नहीं बल्कि उनको अकोमोडेशन या फिर साइट सीइंग या फिर उनका अदर जो एक्टिविटीज उस लोकेशन पर उनको भी फैसिलिटेट कराना इज द जॉब डन बाय ट्रेवल एजेंसीज। तो ट्रेवल एजेंसीज बेसिकली क्या काम करते हैं, लोगों को वे सुविधाएं देते हैं जो घर जो लोग एक डेस्टिनेशन पर जाकर देखना चाहते हैं। ट्रेवल एजेंसी सिर्फ ट्रेवल ट्रेवल मतलब यात्रा से ही संबंध नहीं रखते हैं आज के दौर में। ये जो ग्रोथ की हमने बात करी, देखिएगा ये जो ग्रोथ हमने पढ़ी है 1750 से लेकर हम पहुंच गए हैं आज के समय में, जब हमने पढ़ा आखिर में कि 1994 में लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करना शुरू कर दिया था, एक्सपीडिया आ गया था और hotels.com ने 91 में इसके फाउंडेशन हो गया था। इतना जो 2 साल का हमने जो ग्रोथ पीरियड पढ़ा है, अंडर विच दिस वी कम टू नो दैट हाउ पीपल चेंज देयर लाइक्स एंड सिमिलरली हाउ डिड
ट्रेवल एजेंसीज एडॉप्टेड द चेंजेज इजीली टू स्टे सर्वाइव टू स्टे सस्टेन इन मार्केट वी नीड टू अडॉप्ट चेंजेस इफ वी आर नॉट कैपेबल टू अडॉप्ट चेंजेस वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस कंपटिटिव मार्केट सो मास टूरिज्म इज अ गुड आइडिया फॉर दोज हु वॉन्ट टू स्टार्ट देयर टूरिज्म बिजनेसेस यू नो बेटर अबाउट योर प्लेस यू कैन कॉल पीपल टू विजिट योर प्लेसेज फॉर दिस कॉल डेस्टिनेशन वेडिंग रिसेंटली Honorable PM also announced this in Dehradun previous 2 weeks before. Like he said, let people come to us for destination wedding. Hamare yahan nothing is artificial in Uttarakhand. So people may come to us. They can find the natural beauty around us, and it will help them to get a genuine memory within. So thank you for the day. Very soon we will continue to the next chapter, mass tourism again. Thank you so much.